कोविड के बाद आप देखिए दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं में रिसेशन है, मंदी है। आज अमेरिका के सामने मंदी है, आज ब्रिटेन में मंदी है, आज पूरे यूरोप में मंदी है, आज जापान में मंदी है, आज चाइना में मंदी है। लेकिन एक देश ऐसा है कि जिसकी अर्थव्यवस्था कोविड के बाद भी लगातार दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है, वो हमारा भारत देश है। भारत में हम मंदी नहीं देखते। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए हमारे बाजू श्रीलंका है, क्या अवस्था हो गई उनकी कोविड के बाद, खाने के लाले। पाकिस्तान में तो एक रोटी के लिए जद्दोजहद चल रही है, पाकिस्तान में पेट्रोल के भाव 250 के ऊपर चले गए, लोग अनाज के ऊपर, गेहूं के ऊपर एक दूसरे की जान लेने को आमादा है। लेकिन भारत में मोदी जी है तो मोदी जी ने भारत को सेफली इस कोविड के बाद जो मंदी थी, कोविड के बाद जो एक असर उसका था, उस असर में से बाहर निकाल कर दिखाया। और आज हम देख सकते कि भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और हमारे ऊपर जिस इंग्लैंड ने, जिस ब्रिटेन ने 200 साल राज किया, अब वो भी हमसे पीछे चले गए, उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत आगे निकल गया, हमारी अर्थव्यवस्था उनसे बड़ी हो गई। ये मोदी जी ने करके दिखाया। 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज जो मोदी जी ने दिया, इसके कारण हमारे छोटे उद्योग, मंझोले उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, SMEs ये जिंदा रह पाए। और वो जिंदा रह पाए इसके कारण देश के अंदर आज अर्थव्यवस्था लाइन पर आई, अन्यथा करोड़ों लोगों की नौकरियां चली जाती और देश के अंदर एक हाहाकार होता। लेकिन ये सारी चीजों को समझकर मोदी जी ने अपनी तिजोरी खाली की और सही समय पर सही फैसले लेते हुए उद्योगों को भी खड़ा किया, छोटे उद्योगों को भी खड़ा किया, किसानों को भी खड़ा किया,